जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उनका आंसर भी देखेंगे, और साथ ही मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा उनके आंसर के साथ, जो कि आपके दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो आपका काफी ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और इनका आपको आंसर भी मैं देता जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैंने एक बार अभी जो है कम्युनिटी में डाला था, जिस पर लगभग यहां पर काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। अब दोस्तों यहां पर इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर सम्मिलित किया क्योंकि मैंने सोचा कि यार आपको बता दूं, और देखिए यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा जो है गलत सवाल मतलब इसका जो है जवाब आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके लिए कौन सा संकेत आपका सही होता है, यहां पर आपके चार ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो आपका राइट होता है वह आपका होता है AAXO, ठीक है। तो यहां पर आपका जो पहला विकल्प है वह राइट होगा, लेकिन काफी सारे बच्चों ने इसमें सेकंड नंबर का जो है बिल्कुल राइट किया है और जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका जो है टर्नर सिंड्रोम का सही संकेत हो जाता है, तो ऑप्शन पहला विकल्प आपका हमारा जो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये आपका होता है टर्नर सिंड्रोम का सही संकेत। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इसका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में ए बी और रुधिर वर्गों में के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं। अब देखिए यहां पर आपका जो मानव में रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव होते हैं इसके आपके कितने विकल्प हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं मानव में ए बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो देखिए इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर आपका कितने संभव है, तो 6 जीनोटाइप संभव है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसका आपको जो है यहां पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वह राइट होगा, 6 जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वंशागतिकी या अनुवांशिकी, ठीक है, इसकी इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों जो वंशागतिकी इकाई होती है वह क्या होती है, तो ये आपकी जीन होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका गुणसूत्र जीन प्रारूप या गालजी इकाई नहीं होगा, अर्थात हमारा जो वंशागतिकी इकाई होती है वह क्या होती है, तो जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। देखिए जो आपके जो यहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, इन्होंने किसकी खोज करी थी, स्थान परिवर्तन की या रूपांतरण की या पार परिक्रमण की या लिप्यांतरण की। तो देखिए जो यहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, इन्होंने रूपांतरण की खोज की थी, यानी इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, रूपांतरण की, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो निद्रा रोग है वह किस जंतु के द्वारा होता है, यहां पर आपका पहला क्या है युगलिना, इसके बाद है प्लाज्मोडियम, इसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रिपैनोसोमा, नेक्स्ट आपका है अमीबा। तो देखिए जो यहां पर निद्रा रोग है वो आपका होता है ट्रिपैनोसोमा, यानी कि एक प्रकार से ये क्या है जंतु है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा ट्रिपैनोसोमा, ये राइट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपका निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहां पर आता है आपका क्या, टीबी के टीके का नाम क्या है। तो देखिए जो टीबी का टीका होता है इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, यहां पर होता है ये BCG, ठीक है। तो यहां पर टीबी के टीके का नाम क्या होता है, BCG, यानी चौथा जो विकल्प होगा यह बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, टीबी के टीके का नाम है BCG। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। देखिए दोस्तों जो आपका अपूर्ण प्रभाविता है इसको आपको इसमें बताना है। तो देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन यार बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए इसमें क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता में, तो कह रहा है कि यहां पर जब विपरीत लक्षण के जोड़ों को, देखिए मैंने आपको यहां पर पृथक्करण नियम बताया था जो कि मेंडल का, तो उसी में थोड़ा सा ये मैच करता हुआ है, तो आपको यहां पर अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेना है। तो क्या होता है देखिए, जब विपरीत लक्षण वाले है ना, तो यहां पर विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके, तो इस घटना को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि इसमें देखिए ज्यादा
कुछ खास नहीं होता, अपूर्ण प्रभावित है, मतलब यहाँ पर जो अपना प्रभाव जो है प्रदर्शित कर सके वही क्या होता है इसमें, जो मतलब एक प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाता तो वहां पर अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ जीनोटाइप्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेकर चले, जैसे कि आपने जो है देखा होगा कि मटर के पौधे का जो एग्जाम्पल लिया था तो मेंडल ने उनमें जो है इसमें प्रूव किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए लाल पुष्प है और एक आपका सफेद पुष्प है, इन दोनों के बीच यहाँ पर अगर कराया जाए क्रॉस यानी कि संकरण, तो इसमें क्या होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रभावी लक्षण है, जैसे हम यहाँ पर जो हमारा लाल फूल है या लाल पुष्प आप बोले तो इसको आप यहाँ पर प्रभावी मानकर चलिए, और इसको जो आपका यहाँ पर सफेद पुष्प है इसको आप मानकर चलिए कि ये अप्रभावी लक्षण व्यक्त करता है। जब इनके बीच यहाँ पर कराएंगे संकरण तो शुरुआत में देखिए कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण हो, यानी कि दोनों क्या है, इनके दोनों के विपरीत लक्षण, एक प्रभावी है और एक आपका अप्रभावी है, तो इनके बीच क्या है दूसरे मतलब यहाँ पर करा रहे हैं हम लोग संकरण, तो इसमें क्या होता है एक घटना पूरी तरह से क्या होता है पहली पीढ़ी में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इन दोनों के जो संकरण से यहाँ पर आपका गुलाबी पुष्प बनता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर है ये आपके इसके जीनोटाइप है ना, तो यहाँ पर आपका लाल पुष्प का ये हो गया और इसका आपका ये हो गया, मतलब दोनों देखिए यहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाए, ना ही यहाँ पर लाल पुष्प बना है और ना ही सफेद, दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका गुलाबी, यानी कि प्रथम पीढ़ी जो आपका F1 पीढ़ी है इसमें आपका जो है ये बन रहा है गुलाबी। अब इसके बाद देखिए दोबारा से यहाँ पर स्वपरागण कराया जाता है, अब जब यहाँ पर कराते हैं स्वपरागण तो इसमें आपके यहाँ पर तीनों प्रकार के बनते हैं, जैसे यहाँ पर आपका लाल पुष्प भी और गुलाबी और सफेद, तो इनका जो आपका यहाँ पर अनुपात होता हुआ होता है आपका 1:2:1 का, ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब गुलाबी जो पुष्प है ये ज्यादा प्रभावी है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से यही आपका होता है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको मतलब यहाँ पर मैंने वैसे भी जो है पृथक्करण नियम में बताया था लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन, तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ा सा इस टाइप से आता है, जैसे कहता है कि क्वेश्चन में कि निम्न पर टिप्पणी करिए और इसके अंतर्गत आपके 1 से 2 टॉपिक दे दिए जाते हैं, तो ये ज्यादातर टिप्पणियों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है यह क्या होती है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ये एक प्रकार की तकनीकी होती है, पहली बात तो ये हो, तो यहाँ पर क्या है ये इसमें देखिए जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के या जीवधारियों के मतलब यहाँ पर जो लोगों का आपने सुना होगा जैसे डीएनए जो है चेक किया जाता है और उसे मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जो है पिता का या पुत्र का या उनके संतानों का मतलब एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होता है, मतलब इसका जो है एक प्रकार से मतलब जो है एक परिवार से जो है एक प्रकार से मैच कराया जाता है और इसे मतलब पहचान भी की जाती है, जैसे कि अपराधियों की पहचान करनी है, कई सारी चीज़ों में ये जो है यूज में आता है, तो मतलब ये सारी चीज़ जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो यहां पर है कि एक प्रकार से जीवधारियों के मूल अनुवांशिक पदार्थ होता है और इसमें विभिन्नताओं को देखा जा सकता है और इस तकनीकी को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो एलेक जेफ्री ने, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ये मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। इस प्रकार जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी, तो एलेक जेफ्री ने करी थी और ये इन्होंने जो है ये मतलब कहां के थे, तो इंग्लैंड के थे। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान देना है, तो मतलब इस प्रकार के जो है पॉइंट को आपको नोट करते जाना और ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो गया। अब इसका देखिए यहां पर इसमें होता क्या है, तो इसके द्वारा खून हो गया, बाल हो गया, लार हो गया या वीर हो गया आदि के द्वारा अपराधी के खूनी पैतृक संबंधी पहचान की जाती है। मतलब मैंने बताया ना कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसे जो है पहचान कर ली जाती है, जैसे कोई अपराधी है, ठीक है, कोई मतलब यहां पर एक प्रकार से पैतृक संबंधी यानी कि पारिवारिक जो संबंध है उससे पहचान लिया जाता है कि ये इस परिवार का बंदा है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इससे संभव हो पाती हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी यहां पर आपको मैंने बताया था कि ये टिप्पणी के अंतर्गत क्वेश्चन सारे आते हैं। इसका देखिए आपका यहां पर नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरॉन क्या है। देखिए दोस्तों यह भी यार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इंटरफेरॉन क्या है देखिए इसका आपको अच्छे तरीके से मैंने यहां पर लिख के रखा हो, थोड़ा समझिएगा। तो देखिए यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, क्या होता है, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित एवं एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है और इसका प्रयोग निवारक के रूप में किया जाता है, ठीक है, निवारक के रूप में किया जाता है। इनकी जो इंटरफेरॉन है ये एक प्रकार से निवारक, निवारक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने जो है प्रतिरक्षा सुना होगा, मतलब किसी चीज को बचाना, तो यहां पर ये यह होता है। इसके बाद देखिए यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसीलिए इसे इंटरफेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पर इतना छोटा सा देखिए क्वेश्चन का आंसर है, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या होता है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, जितने भी देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं सभी एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन हुए,
इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, ठीक है, तो इम्यूनिटी किसे बोलते हैं या प्रतिरक्षा एक ही बात है, तो इंग्लिश में इसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो देखिए जो प्रतिरक्षा होती है इसको कह रहा कि क्वेश्चन की समझाइए, तो देखिए प्रतिरक्षा क्या है थोड़ा समझिएगा, तो किसी मनुष्य के शरीर में शरीर द्वारा, ठीक है, किसी मनुष्य यानी कि कोई मनुष्य बोल सकते हैं या जीवधारी बोल सकते हैं या प्राणी बोल सकते हैं, हाँ, तो किसी मनुष्य के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति, यानी कि देखिए जैसे बात करें हमारी बॉडी में कोई रोग है अगर वह आ रहा है तो उसको रोकता है जो चीजें, मतलब कि हमारे शरीर में जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनसे लड़ती हैं, और जो लड़ने का कार्य करेगी वही हमारी जो रक्षा कर रही बॉडी की, मतलब कि एक प्रकार से वही आपका प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी है। तो मतलब यही यहां पर बताया गया है कि जनक के प्रति यानी किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, ठीक है। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका होता है इम्यूनिटी, आपने समझ लिया, और बाकी यहां पर ये चीजें जो है रटने वाली बिल्कुल नहीं, समझना है सिर्फ, है ना। तो 4 क्वेश्चन हुए, इसके बाद देखिए यहां पर आपका आता है 5वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बीटी कपास, इसे आपका यहां पर बीटी कपास यानी कि बैसिलस थ्रोएन्सिस बोलते हैं, तो बैसिलस थ्रोएन्सिस यानी कि बीटी कपास, इस पर आपको टिप्पणी देने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहां पर इसे बीटी कॉटन भी बोलते हैं, है ना, बीटी कॉटन या बीटी कपास, तो इसको करा के समझाइए, देखिए क्या होता है थोड़ा समझिएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर कपास में जो बीटी जीवाणु होते, ठीक है, यानी कि कपास आप सभी जानते होंगे, तो कपास में बीटी जीवाणु के आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है जिससे मतलब ये सारी चीज जो है संभव हो पाती है। इसके बाद देखिए जिसे बीटी कॉटन कहते हैं, और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, यानी कि इस प्रकार से क्या होता है इससे फसलों को बचाया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है, मतलब अगर इसको जो है किसी मतलब यहां पर जैसे कि कीटों से जैसे फसलों को बचाना है तो उसमें क्या होता है इसको डाला जाएगा, तो मतलब वहां पर क्या होता है इसको अगर जो है डाला जाता है तो इस प्रकार से जो है कीटों का वहां पर जो है जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं या कीट जो है नष्ट हो जाते हैं और इससे जो है फसलों को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया बीटी कपास या आपकी टिप्पणी, इतना ही, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो सिर्फ आपको इसी प्रकार से इसकी जो है टिप्पणी दे देना है। तो ये 5 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या होता है यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं प्रतिबंधन एंजाइम यहां पर ये है क्या, तो इसको थोड़ा सा यहां पर पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं डीएनए खंडों को जोड़ने और तोड़ने का काम क्या होता है, तो ये एंजाइम ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले समझिएगा क्या होता है, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है, यानी कि अगर बात करें कि जो डीएनए खंड होते हैं उनको तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो ये आपका होगा प्रतिबंधन एंजाइम, और अगर जोड़ने की बात करें तो आपका लाइगेज होता है ना। तो यहां पर क्या है, तो ये आपका यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है, और इसे आणविक कैची भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम है दोस्तों इसे आणविक कैची भी बोला जाता है ना, कहा जाता है। अब वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसे क्या बोलते हैं, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। देखिए यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव आर बन जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वह डीएनए खंडों को जो है तोड़ता है या काटता है, आप समझ सकते हैं, और जो आपका डीएनए खंडों को जोड़ता है उसे बोलते हैं लाइगेज, क्या होता है लाइगेज। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये। तो 6 क्वेश्चन यहां से हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनिषेक फलन क्या होता है, है ना। तो अनिषेक फलन क्या है या क्या होता है आपको इसमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, पहली बात तो ये दोस्तों एक पॉइंट है, तो ऐसे फल यानी कि जो अनिषेक फलन होता है क्या होता है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, यानी कि उनमें क्या होता है अंडाशय नहीं है, तो उसी क्या बोलते हैं अनिषेक फलन बोलते हैं, तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, यानी कि जो आपके ऐसे फल जिनमें मतलब अंडाशय नहीं होता या बिना अंडाशय के इनका निर्माण हो जाता है उसे अनिषेक फल बोलेंगे, और जो ये प्रक्रिया होती है जिस प्रकार से फल बनते हैं उसे बोलते हैं अनिषेक फलन। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अंगूर हो गया आपका, तरबूज हो गया या संतरे हो गए, ये सभी क्या है अनिषेक फलन के फल के उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल भी कभी कभी जो है, देखिए मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जो है सचेत हो जाएं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सहप्रभाविता या आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। तो सहप्रभाविता क्या है इसको समझाइए। तो सहप्रभाविता क्या होती है, देखिए जब किसी कारक या जीन के एलील में, ठीक है, जब किसी कारक या जीन के एलील में कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, है ना। मतलब कि ऐसा होता है जैसे मैंने आपको जो है मेंडल का नियम बताया था, पृथक करण नियम प्रभाविता और अप्रभाविता में। तो यहां पर देखिए क्या होता है, ना ही कोई प्रभावी लक्षण दिखाएगा और ना ही कोई अप्रभावी लक्षण दिखाएगा, ठीक है। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि जीन के एलील में कोई भी पूर्ण रूप से ना ही प्रभावी होता है और ना ही अप्रभावी होता है। तो ऐसा क्या होता है, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, दोनों जो है मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, मतलब एक कोई विशेष नहीं प्रभाव डाल पाता, तो इसे बोलते हैं सहप्रभाविता, है ना। तो ये आपका होता है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस, है ना। तो जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग होता है, ये क्या है आपका एक जो है सहप्रभाविता का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा सहप्रभाविता का आपका टिप्पणी। इसके बाद देखिए यहां पर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। देखिए दोस्तों, जो सहलग्नता होती है क्या होती है, तो जीनों का एक ऐसा वंशगत होना, ठीक है, एक साथ ऐसा जो एक साथ वंशगत होना, जो जीन होते हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जीनों का एक साथ वंशगत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रति निर्धारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। और सहलग्नता की खोज जो है बेटसन तथा पुनेट ने 1906 में की थी, और कहां पर लेथाइरस एडोरेट्स में की गई थी। तो ये एक प्रकाश क्या है, यहां पर देखिए मैं जो साइंस में यहां पर जो वैज्ञानिकों के जो नाम बता दे रहा हूं, ये यार जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इनको यार थोड़ा सा आप लोग जो है देख लीजिएगा, बाकी आपको देखिए तैयार तो करना ही करना है ना। तो ये मतलब एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपका सहलग्नता हो गई, तो ये नवा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दसवां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए। और यह टिप्पणी दोस्तों काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी देना है, यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है आपको यहां पर देखिए थोड़ा सा बताना। तो देखिए डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैग डॉन डाउन ने 1866 में खोजा था, और यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, ठीक है, जो त्रिगुणता कहलाती है। और इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को व्यक्ति में जो है गुणसूत्रों की जो संख्या है 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका मतलब यहां पर एक प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कई बार शायद देखा होगा कि मंगोलिया जो मानव होते हैं उनमें एक प्रकार से डाउन सिंड्रोम की जो है इस प्रकार से स्थिति पाई जाती है। तो मतलब उससे भी संबंध दिखाया जाता है इसमें जो है मंगोलिया मानव से, तो आप उसमें भी देख लीजिए कि ये भी आपका डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत वो भी आएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने जाना है, और इनको आप तैयार कर लीजिए। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर जो है वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।